गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, हमने ये थ्री चैप्टर पढ़ा था। चैप्टर का नाम था निष्ठुर अनुकंपा। इसका हमने वन क्वेश्चन, टू, थ्री और फोर क्वेश्चन आंसर कर चुके थे। आज बच्चे हम करेंगे पेज नंबर 23 का ख क्वेश्चन। ध्यान दो, दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द रेखांकित कीजिए और उनके भेद लिखिए। बच्चे जैसे आप जानते हो कि संज्ञा के तीन भेद होते हैं, एक होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम या वस्तु का नाम आता है। इसी तरह जातिवाचक में जो सब जिसमें प्राणियों, जातियों या वस्तुओं का बोध कराया जाता है वो जातिवाचक होते हैं। और भाववाचक में आ जाते हैं बच्चे किसी के दोष, गुण, दशा या स्वभाव के बारे में बात की जाती है। बच्चे जैसे कि वन सेंटेंस है, कक्षा में छात्र पढ़ रहे हैं। रेखांकित करने का अर्थ होता है कि अंडरलाइन करना। तो बच्चे जो संज्ञा है उस पर आप अंडरलाइन करोगे और जो भेद लिखोगे। अब जैसे कक्षा में छात्र पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कौन सा आपका संज्ञा है? छात्र। तो छात्र पर अंडरलाइन करोगे। कैसे हैं? क्योंकि बच्चे यहाँ पर अगर यहाँ पर नाम आता, किसी व्यक्ति का नाम आता जैसे कि कनिका या गांधी जी या पायल, तो बच्चे ये व्यक्तिवाचक हो जाता है, छात्र। अब बच्चे दो तीन छात्र को आप खड़ा करोगे तो छात्र ही कहलाए जाएंगे वे, ठीक है? तो ये आ जाएगा आपका जातिवाचक में। यहाँ अंडरलाइन करोगे छात्र पर और यहाँ पर भेद लिखोगे आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। ये देखिए, अंडरलाइन किया और भेद मैंने यहाँ पर लिखा है। आपको इसी तरह से यहाँ पर अंडरलाइन करोगे और भेद यहाँ पर लिखो। अगला है, दिल्ली एक बड़ा शहर है। अब दिल्ली, जैसे जैसे मैंने कहा किसी जगह का नाम, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या यमुना विहार या ओम विहार, शिव विहार, मतलब किसी भी जगह का नाम आता है तो वो व्यक्तिवाचक में आता है। अब जैसे दिल्ली आया है तो दिल्ली जो हो जाएगा ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा और अंडरलाइन करना है। यहाँ पर दिल्ली पर अंडरलाइन करोगे और यहाँ लिखोगे आप व्यक्तिवाचक, इस तरीके से। अगला है, अध्यापिका पढ़ा रही है। अध्यापिका का कोई नाम नहीं है यहाँ पर। अगर किसी का नाम होता तब बच्चे ये व्यक्तिवाचक हो जाता। अध्यापिका है, दो है, तीन है, उनको अध्यापिका ही बोला जाएगा, तो ये जातिवाचक माने। जब काफ़ी हो जैसे कि बिल्ली है, कुत्ता है, गायें हैं, तो उनको गायें या कुत्ता कह के बुलाया जाएगा तो वो जातिवाचक में ही आएगा। इसी तरह अध्यापिका भी जातिवाचक। अगर यहाँ पर किसी का नाम आ जाता, ठीक है, या मैं जैसे कि किसी का यहाँ पर सरदार पटेल या आपका महात्मा गांधी, इस तरह मैं नाम लेती तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता। तो अध्यापिका में अंडरलाइन करोगे और ब्रैकेट में लिखोगे जातिवाचक। आगे है, तारे चमक रहे हैं। अब बच्चे आसमान में है ना, जैसे तारे चमक रहे हैं, तारे, ये भी जातिवाचक हो जाएगा क्योंकि पूरे विश्व की बात की जा रही है। तारे, एक तारा होगा उसको भी तारे, दो होंगे तारे ही बोले जाएंगे, सारे तारों को तारा ही बोला जाएगा। तो बच्चे ये भी आपका जातिवाचक में आ जाएगा, ठीक है, अंडरलाइन करना है और यहाँ पर इस तरीके से लिखो। ये बच्चे आपको बुक में ही करना है। आम में मिठास है। आम, आम बच्चे कोई भी फल होगा आपका, दो आम को रखोगे, चार आम को रखोगे, आम ही कहलाए जाएंगे वो, तो ये भी जातिवाचक में ही होएगा। इस तरीके से करना है। कनिका, अब बच्चे यहाँ पर कनिका आज ना ही नहीं है, अब यहाँ पर बच्चे नाम आया हुआ है कनिका, ठीक है, इस पर अंडरलाइन करोगे तो ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक में आपका। बच्चे जैसे मैंने यहाँ पर किए हुए हैं इसी तरह से आपको अंडरलाइन करना है और ऐसे भेद लिखने हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं गाय को इस
और एक दो मात्रा आई है, एक और एक मात्रा, किस और के बारे में जाती है? मैं गाय को इस और ये और जो दो दो सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है, इसमें वो ये और लगेगा, पर इसमें और गाय को ढूंढा जा रहा, तो गाय को इस और ढूंढती हूँ, और ये वाला और आ जाएगा, और आप उस तरफ देखिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है, पहले में ये, सेकंड में। अगला है, हमारे देश में इतना अन्न पैदा नहीं होता। अब बच्चे अन्य हैं और एक अन्न, यहाँ अन्न के बारे में पैदा की बात की जा रही है, अन्न पैदा नहीं होता कि अन्य देशों को निर्यात किया जा सके, ठीक है। पहले में ये अन्न के बारे में, फिर अन्य। आज डैश कार्य में अध्यापिका ने मंगल के बारे में लिखने को कहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रह कार्य, ग्रह घर, घर का कार्य में के बारे में बात की जा रही है। अध्यापिका ने मंगल, मंगल ग्रह, ये ग्रह आएगा, ग्रह के बारे में लिखने को कहा है। राम दीन पीतल का एक लोटा, लोटा ये वाला लोटा, लेकर लोटा ये इस तरीके से करना है, पहले में ये, सेकंड में ये, ये बच्चे ये भी बुक में करोगे आप। अब बच्चे पेज नंबर 24 पे आ जाइए, वाक्यों में रंगीन शब्दों के स्थान पर उनके विलोम शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को पुनः लिखिए। चारों ओर अंधकार है, बच्चे रंगीन वर्ड दिया हुआ है ना ये, तो इसकी जगह आपको विलोम शब्द करना है। जैसे चारों ओर अंधकार का क्या हो जाएगा? उजाला, नया का पुराना, सौभाग्य का दुर्भाग्य, मौन का यश का अपयश हो जाएगा। इस तो सेंटेंस पर आपको पूरा लिखना होगा, चारों ओर उजाला है, इस तरीके से, चारों ओर उजाला है, यह घर नया लगता है तो यह घर पुराना लगता है, यह मेरा सौभाग्य है, यह मेरा दुर्भाग्य है, मोमन का यश चारों ओर फैला है, मोमन का यश, मोमन का अपयश, यश का क्या हो जाएगा? अपयश, अपयश चारों ओर फैल गया। बच्चे इस तरीके से लिखना है, ये भी आपको बुक में ही करना है, एक बार अच्छी तरह देख लिए। खा क्वेश्चन, गा, और आपका ये विलोम शब्द है, पेज नंबर 24 पर। थैंक यू।